मुझे आपकी चाय। जी धीरो, क्या बात है? हमारा चेहरा बहुत उतरा हुआ है। बस मुझे लग रहा है जैसे हल्का सा बुखार है। हल्का सा तो नहीं है, तुम्हें तो अच्छा खासा बुखार हुआ है। दवा दी तुमने? जी भाभी ने दवा दी है मुझे। अच्छा, क्या आराम करो, तुम सारा वक्त बस काम में लगी रहती हो। कितना आराम करो अम्मा जी, सुबह से आराम ही तो कर रही थी। भाभी ने कमरे से बाहर निकलने ही नहीं दिया, अभी चाय बस बन रही है आपके लिए। अच्छा किया ना बेटा। सलाम अलैकुम अम्मा। जी तेरा हो बेटा। कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, मेरी तो तबीयत ठीक है, इसके फातिमा के बुखार हुआ है। फातिमा को तुमने बताया तो नहीं? डॉक्टर के पास लेके जाता तुमको। अब बुखार नहीं है भाई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाभी ने मुझे मेडिसिन दे दी थी। फातिमा प्लीज ख्याल रखा करो अपना, हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, वहां से निकलती हो सिलाई मशीन पे बैठ जाती हो। और क्या करूं भाई, बेकार में तो मैं बैठ नहीं सकती, और कुकिंग का तो मुझे हमेशा से शौक है, और सिलाई कढ़ाई वो तो अम्मा जानती हैं। डिजाइनर बनना चाहती थी मैं, अच्छा लगता है मुझे ये सब करके। अल्लाह बख्शे तुम्हारे अब्बा को, वो तो हमेशा कहते थे कि मेरी बेटी तो हर फन मौला है, लेकिन ना कदरों ने कदर नहीं की इसकी। अम्मा हीरे की कदर चोरी ही जान, और अल्लाह ने जो किया अच्छा। Hi, how are you? Absolutely perfect. तुम्हें याद है ना next month हमारी anniversary? हाँ याद है, लेकिन क्या फायदा? मैं अकेली तो celebrate नहीं कर सकती। यार तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, सिर्फ मैं और तुम, हम दोनों मिलके celebrate करेंगे। पर तुम्हें पता है मैंने जो plan बनाया? नहीं आ सकती अमान, अगले महीने club के elections हो रहे हैं, तुम तो पता है ना। क्लब के इलेक्शन जरूरी हैं या हम दोनों की एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करना? ओह कम ऑन, ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई न्यूली मैरिड कपल थोड़ी हैं। चलो शुक्र है हम कपल तो हैं ना। वैसे सोचो कितना अरसा हो गया हम दोनों कहीं एक साथ घूमने नहीं गए। अच्छा देखो अमान, मुझे देर हो रही है, मुझे मिसेस खालिद के यहाँ जाना है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके बाय।